सभी एचडीपी सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है कि औषधियों का शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहली क्लास में हमने अध्ययन किया था तेल, एल्कोहल आदि से कौन कौन सी औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि औषधियों का शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो औषधियों का शरीर पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं, जैसे उद्दीपन। तो उद्दीपन का क्या मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब किसी औषधि को देने के बाद ऊतकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होना या कार्य क्षमता का बढ़ जाना उद्दीपन कहलाता है। यानी कई बार पशु के हार्ट बीट बढ़ानी है तो एंड्रेनालिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी उस इंजेक्शन को देने के बाद पशु की हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगला प्रभाव है औषधियों का शरीर पर सुपतन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी औषधि को पशु को देने के बाद ऊतकों की कार्य क्षमता में कमी का आ जाना या वहां के ऊतकों की क्रियाशीलता में कमी हो जाना डिप्रेशन कहलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, सुपतन। क्या कहलाता है, डिप्रेशन। तो यह भी एक औषधि का प्रभाव है। अगली औषधि है या औषधि का प्रभाव है जलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरिटेशन। तो इसकी डेफिनेशन है कि जब किसी औषधि को देने के बाद ऊतकों में इरिटेशन होना या जलन पैदा होना क्या कहलाता है, इरिटेशन या जलन। यानी कई बार पशु को बिटर्स दिया जाता है तो लार की मात्रा अत्यधिक उत्पन्न हो जाती है, जिससे पशु बेचैन हो जाता है, उसी को ही हम इरिटेशन कहते हैं। या कई बार पशु बीमार होने के बाद हम जलनकारी औषधि पशु के आईएम के माध्यम से अधिक दे देते हैं तो वहाँ ऊतकों में इरिटेशन या जलन पैदा हो जाती है और पशु के पित्ती वगैरह या फफोले निकल आते हैं, तो उसी को ही हम इरिटेशन कहते हैं। अगला है आपका औषधियों का प्रभाव शरीर पर निष्क्रियता, इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइसिस। तो इसकी डेफिनेशन है, यानी वे औषधियाँ जो शरीर के अंगों को अस्थायी रूप से क्रियाशील को या क्रियाओं को रोक देना निष्क्रियता कहलाता है। यानी वे औषधियाँ जो शरीर के अंगों को अस्थायी रूप से क्रियाओं को रोक देना या रोकना क्या कहलाता है, पैरालिसिस कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका मृत्यु। तो इसकी डेफिनेशन है, यानी जब किसी औषधि को पशु को देने के बाद पूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप से पशु की क्रियाशीलता को रुक जाना या क्रियाओं का बंद हो जाना क्या कहलाता है, डेथ। हिंदी में क्या कहते हैं, मृत्यु। उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का सांद्रित 10% घोल आईवी माध्यम से पशु को देना। तो ये लगभग आपके इस चैप्टर में
चैप्टर 9 है, इसमें आपके 4-5 पॉइंट ही औषधियों के बारे में बताए गए हैं। तो ये आपको 4-5 घंटों के बारे में अध्ययन करा दिया गया है। तो ये चैप्टर आपका क्लोज है, इसमें या इस चैप्टर में कहीं भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद।